मरते दम तक राजनीति करूंगा पर आगे युवा को रखूंगा। नमस्कार जी, मैं संदीप हरियाणा, आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। और लगातार जो मैं आपको पंचायती चुनाव के पिछले सर्वे दिखा रहा था, ये फिलहाल जो चुनाव है वो समाप्त हो चुका है। और लेकिन एक अहम बड़ी खबर मैं आपको लेने आया हूँ। ये फिलहाल हरियाणा के अंदर ऐसे गांव हैं कुछ, जैसे कि डुमरखा गाँव जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, और आज फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मौजूद हूँ नाडोड़ी गाँव में। यहाँ पर भी एक वोट तक एक सरपंच आ रहा है और एक सरपंच जीत्या है, एक वोट तक एक वोट की हार जीत यहाँ पर रही। लेकिन जो प्रत्याशी आ रहा है उसका नाम सुंदर नाम है और उसके पास हम आए हैं। और आपने मैं जानकारी बता दूं, जुकर एक सरपंच जीतने के बाद में धन्यवादी दौरा काटा गया है, उसका जो मान सम्मान हुआ गया माड़ा के लिया गया है, उसी ते भी ज़्यादा हम उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। सुंदर एक ऐसा प्रत्याशी था इनका जो एक वोट तो आ रहा है, उसको लगातार इस तरह मान सम्मान देने लग रहे हैं, सोने की टूम बनवा के उसको पढ़ाने लग रहे हैं। अच्छा, नोटा की माला पर माला उसको देने लग रहे हैं। और मैं कैमरामैन साथी चाहूँगा एक बार दिखा दे, एक देख लो आप, ताजी बिल्कुल अल्टो K10 अपलाउड बिल्कुल ताजी गाड़ी है भाई। ब्लॉक नंबर भी नहीं, जैन सिम तक कटाया गया, सरपंच लग गई है भाई तो हार गया तो कोई बात नहीं, जो तेरा खर्चा लग गया वो पूरा कराएंगे। और या ही नहीं, इससे भी ज़्यादा एक बड़ी बात आपने बता दी, कह रहा कि जमीन नाम कराऊगा, इसके तो जमीन भी गामिया ने नाम करा दी। न्यू कुंबरा कितनी के कुछ कराई वाइन तक पूछांगे। और मैं कैमरामैन साथ चाहूँगा भाई मेरे साथ आज, मैं दिखाना चाहूँगा कि जो सरपंच है सुर जो एक वोट से मतलब पीछे रह गया था उसका किस तरह जुकर मान सम्मान होने लग रहा है, नोट टाइम माड़ा माड़ा नुगलन लग रही है, वो मैं आपने दिखाना चाहूँगा। और इनसे बातचीत भी कराँगे कि भाई के कुछ ये कहना चाहूँगे। तो फिलहाल भाई आप देखने लग रहे हो गए नाडोड़ी गाँव के अंदर जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मौजूद हूँ। और जो न्यू कागर भाई दो गुड़ है तो एक तो पढ़िया कर रहा है, लेकिन अपने हरियाणा में एक रिवाज है हारो जीतो, लेकिन जो प्रत्याशी मतलब जो प्रत्याशी रह लिया जो चुनाव लड़ लिया है उसकी सरपंच कहने लाए जाए हैं। तो ये फिलहाल एक वोट तय नाडोड़ी गांव के अंदर समुंदर आ रहा जरूर है, लेकिन जो इसके साथ जो लोग खड़े थे वो आज भी कंधे से कंधा मिला के हैं और भाई लग इतना मान सम्मान करने लग रहे हैं इसका, आप देख लो नोटा की माला तो आपने दिखने लग रही है इसके गल है। एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, अभी यहीं पर प्रोग्राम है सुनने का, ये देख लो भाई सरपंच के नाम से बना के ही इसको माला पराई गई है। और मैं आपने जानकारी के लिए बता दूं, इस गांव के अंदर जो मैंने सर्वे कराया पता कराया कि वह क्यों करी सिलेक्शन का मोल रहा होगा, वो मैंने पता चला जो कह रहा है मोदी ने जीतान खातर जो अमित शाह गल जो जो टेक्निकल और सारी राजनीति करा है नहीं, उसी तरह इसी गाँव का पूर्व सरपंच रविंद्र आप देख लो, बाकी चेहरे तो भी थोड़ा थोड़ा मिलता होगा यो है, अमित शाह था इस इलेक्शन का पूरा, इसका पूरा रोल रहा है। दूसरी जो पार्टी थी वो इन गाँव थे माँ में 102% ब्याली रात हो अगर नहीं उस तक पहला 10 बजे मतलब ब्याली रात में सोए हैं, तो यह सोच के सोए थे भाई 400-500 वोटा थे उनकी जीत है, लेकिन इस अमित शाह ने ऐसा गेम घुमाया दूर ला दी कहानी, कहानी तो दूर ला दी लेकिन थोड़ी सी एक वोट की तो जरूर रह गई थी, लेकिन कहानी कड़िया कड़िया अमित शाह ने दूर ला दी। समुंदर भाई अपने साथ है, इनसे बातचीत करांगे कि सिलेक्शन को लेकर के कुछ ये कहना चाहूंगे। तो फिलहाल सुंदर भाई हमारे साथ है, इससे बातचीत कराएं भाई। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गाँव नाडोड़ी आने पर आपका। जी भाई साहब, जो इलेक्शन रहा है इस इलेक्शन के अंदर देखो हार जीत तो एक अलग हुआ तो है, लेकिन एक वोट से मतलब न्यू कागर भाई एक वोट की कीमत कौन जाना, तो ईव आपने तो पक्का पता चल गया हो भाई एक वोट की के कुछ कीमत हुआ है। मेरे को नहीं जी, सारे गांव को पता लग गया भाई एक वोट की क्या कीमत होती है।
मतलब बात सुंदर ने कोनी बल्कि जो गल्ला खड़े थे वही इलेक्शन लड़ रहे थे उनकी मेरा बैठ गया सबको पता लग गया या जो आर हुई है आर ओ जी तो जो भी मिलानी या मतलब आपके साथ खड़े आने की हुआ हुई बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन इस हार को जीत में बदल दिया। सबसे पहले तो मेरा जो ऐसी समाज है ना वो मेरे साथ है और दूसरे नंबर पर जो मेरे ये साथी है ना इन्होंने इतनी मेहनत करके मेरा साथ दिया है मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर भाई साहब अपने ध्यान में बात चले फलानी डिगड़ी बात के जमीन नाम कराऊगा सुन माई वह जमीन तक भी नाम करा दी तेरे। बिल्कुल जी। कितनी जमीन का? डेढ़ कनाल जमीन सुभाष सनो परामृत बाम्बू उन्होंने मेरे को तीसरा लड़का माना है और बराबर की जमीन दी है। बिल्कुल जी हमारे खेत के बिल्कुल नजदीक डेढ़ कनाल जमीन तक मुझे दी है। अरे आज जो करिए नोटा ही माला सोना बल्कि ये देखो भाई मैंने आप लोग पहले भी दिखाई दी जो करिए इस तरह जो मान सम्मान मिलने लग रहा है सोने की टूम गड़वाने लग रहे हैं जमीन नाम करवाने लग रहे हैं ताजी गाड़ी दे दी गाम राम ने अप्लाइड फॉर बिल्कुल नई बैरिज देखा हूँ तो के कुछ कहना चाहोगे इस प्यार को लेकर? भाई इस प्यार को तो मैं तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई इन्होंने मेरा साथ दिया। और हर बार क्या होता है जो कैंडिडेट जीतता ना सारे स्कूल से उसी के साथ चले जाते हैं लेकिन जो 2200 वोट मेरे को आए ना वो उसके साथ नहीं आज मेरे साथ 2200 से और जुड़ के आए हैं मेरे साथ और उनका इतना बढ़िया सहयोग रहा है मेरी हार को जीत में बदल दिया इन्होंने। आज मैं जीत महसूस कर रहा हूँ। आपने क्या लगा मतलब जितने सरपंची में कमाओ उससे ज़्यादा दो राम राम नाम कमाने की बात नहीं है जी। अच्छा कमाने की बात नहीं है। मैं एक देखो हमारे गाँव में जब से इलेक्शन शुरू हुआ है हारने वाले कैंडिडेट को कोई भी जाके से नहीं कहता भाई ये तेरे कितने पैसे लागे ये ले इकट्ठा करके दे दें ना। मैंने इनको कहा भाई मेरे लिए पैसे इकट्ठे करो। इन दिल से जुड़ाव था मेरा इनसे और अपने आप इन्होंने इतना कर दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था। अच्छा गाम राम के हो सकता है कि सरपंच बनने के बाद डेढ़ कनाल जमीन खरीद नहीं सकता था लेकिन आज डेढ़ कनाल जमीन भी मेरे खेत में मिला दी। मतलब तेरे बालक न्यू नहीं कह सकते बाबू तन्ने चुनाव लड़के मारा ढूंढ में यो नुकसान कर। बिल्कुल 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 है। एक कहावत है बोलो इसने के सरपंच का चुनाव लड़ रखा है क्यों कोई घाटा हो जाए नहीं जिन्हें बोलो इसने के सरपंच का चुनाव लड़ रखा है तो सरपंच का चुनाव लड़के मेरे को इज्जत मिली है और मान सम्मान मिले है नहीं इसके लिए मैं मेरी उम्र और आगे आने वाली पीढ़ी को भी यही कह के जाऊँगा भी इनका एहसान कभी भूल मत जाना। समय है ना समय तो एक आनी जानी चीज़ है आनी जानी चीज़ है लेकिन समय को जो भूल जाता है ना वो कोई इंसान भी नहीं है। अच्छा ये एक बात हो रहा है ये नहीं कहो भाई जो इतना मान सम्मान इन देने लग रहे नहीं अगली बार खतर भी 5 साल की पहले सुन ली अगली बार भी कदम मैदान में तने तैर देगा भाई जो इनकी मर्जी होगी नहीं हमारे संगठन की जो मर्जी होगी नहीं उसी पर चलूंगा मैं। अच्छा संगठन अब की बार नया बनाया है कि पहले भी था? संगठन नया बनाया जी हमारा। अच्छा ये तो ये संगठन मजबूत करने की बात? बिल्कुल बिल्कुल वैसे भी बहुत मेरा संगठन मजबूत है हमारा और आगे इसको दुगना करेंगे हम दुगना और बड़ा बिल्कुल दुगना करेंगे। तो देखो भाई बहुत बड़ी बात है गाम राम ने जमीन तक नाम करवा दी है और बताओ भाई एक व्यक्ति ने तो इसको आपका तीसरा बेटा मैंने ये फिलहाल आप लेके चलेंगे अमित शाह और इनसे बातचीत करेंगे। फिलहाल मेरे साथ जो बैठे हैं रविंदर धारणिया पूर्व सरपंच इस गाँव के सरपंच भी रहे हैं अमित शाह इस गाँव मतलब इस यो जो न्यू कहा गेम खिलाया था नहीं जो अगले न्यू लहरे थे हमारी तो वोट इतनी जीत पक्की है हम नहीं तो उस सरपंच तभी बातचीत करी बताओ था मध्य प्रदेश तक के उसने अपने जो बाहर गांव के लोग जो नौकरी करने वाले थे उसके समर्थक थे वे भी बुला रखे थे इतना उस बंदे ने मतलब इस सरपंच जो फिलहाल बनाया होती इतनी मेहनत कर रखी थी जीत और 1000 पर्ची या 300-400 पर्ची तो उनको था फाइनल है बाकी 1000 पर्चियाँ तभी आपकी जीत और ले रहा था तो इसने एक ऐसा जादू बिरानी कौन सा ले रहा है ऐसा सिस्टम कराया है गाँव के अंदर कि भाई जमा कानी नुकार डीक दीख जो पाला दीख जो पाला गया जब मैंने आंगली लुआ दी थी बस थोड़ी ही आंगली थोड़ी और बैरन बिक दो इस भाई की जीत हो जाए इन तो बातचीत करें क्या कुछ कहना चाहोगे जी आज जो मतलब समुंदर का जो मतलब इतना यो मान सम्मान होने लग रहा है देखो जी, आपकी जो हुआ है मैंने 95 से राजनीति शुरू की थी उस टाइम मेरे को ब्लॉक समिति का सर्व समिति से मेंबर बनाया गया गाम राम ने पूरा सहयोग दिया उसके बाद में मेरे को सरपंच बनाया गया सरपंच के बाद में मेरी धर्मपत्नी को जिला परिषद मेंबर बनाई गई गाम राम ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और अब भी कमी नहीं छोड़ी पर सुंदर की किस्मत है ना वो एक वोट से रहेगी और आज इलेक्शन हो जाए ना तो 3,350 वोटों से जिता के लाओ। अच्छा अच्छा देखो आपने बताया भाई 95 तो आपने राजनीति स्टार्ट करी आपको ब्लॉक समिति में सर्व समिति बना दिया आपको फिर सरपंच बना दिया
आपकी धर्मपत्नी को जिला परिषद बना दिया, ये तो ऊपर लाओ एमएलए वाली सी कहानी जाएगी। अब मैंने संन्यास ले लिया, अब युवा की बारी है। अच्छा, हमने नुकागरा पे टाइम आया पास है बड़ा ठेरे ना अपनी खाट पर लेनी चाहिए। खाट पे नहीं बैठेंगे, राजनीति करेंगे पर युवा को आगे रखेंगे। अच्छा, मतलब चेहरा किसी और ना रखो, राजनीति आप। राजनीति करूंगा, मरते दम तक राजनीति करूंगा, पर आगे युवा को रखूंगा। अच्छा, मैं आप नहीं हूंगा। अच्छा, मतलब आप तो वो, मतलब जो मान सम्मान गाम राम ने आपको दिया है, मतलब वो आप उसका शांतरण लग रहे हो, भाई आपने मेरे को दिया, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अच्छा, जो जितना किसका खर्चा लग गया सारा कवर सा हो लिया के, मतलब रह रहा हो लिया तकरीबन पेट्रोल वाले 5 साल के लिए एडवांस। अच्छा, पेट्रोल के भी दे दिए गला। तो देखो भाई, पेट्रोल तक के भी नहीं गुआ पीछे, हमने लग दे दिए पहला ही। मैं फिलहाल महिलाएं हैं भाई, इनसे भी हम बातचीत कर लिया के कुछ कहना चाहोगे जी, जो मतलब ईव सुंदर को जो मतलब एक वोट से हार मिली है और फिर भी इसका न्यू नोट टाइम माड़ा गलन लग रही है, सोने की टूम करवा दी, गाड़ी दे दी, जमीन नाम करा दी, मतलब के कुछ कहना चाहोगे आप? इतनी छोड़ दो जी। मैं ये कहना चाहते हैं जी, इसके एक वोट से हार हुई सुंदर भाई की, इसकी हार नहीं है, ये हमारी हार हुई है। अच्छा, ये मतलब आप तो न्यू सो रहे भाई, तारी खुद की हार है। हाँ, इसकी हार नहीं है, ये हमारी हार है। और हमने इसके गांव के नंदोड़ी से नहीं, सारे सदस्य ने इसके लड़के बहुत 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 धन्यवाद करे है। और हम आने वाली जो आगे अपने जिला में करांगे सरपंच में, हाँ चुनाव, तो इसको भी बनाएंगे आगे फिर दोबारा। हाँ, बनाएंगे। तो देखो भाई, महिलाओं के अंदर भी एक ऐसा वो है कि मतलब विश्वास है महिलाओं को कि आज जो मान सम्मान करने लग रहे हैं, वो मान सम्मान इसको इसलिए किया जा रहा है कि ताकि इसको ये ना लगे भाई तेरी यार है, बल्कि इन सभी ये नहीं कहो भाई तेरी कल लगी नहीं, हमारी सारे यार है।